देखिए हाँ वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज आज है सैटरडे और मैं फिलहाल जा रही हूँ एक बहुत ही बड़ा काम करने, और मेरे लिए सबसे बड़ा काम है घर का हॉल के पर्दे धोना। तो ये जो हॉल के पर्दे हैं ये वॉश करने हैं मुझे। एक्चुअली मैं कल गणेश जी आएंगे घर पे, तो कल गणेश जी आने कल का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। हमने गणेश जी कल बुक कर दिए हैं और गणेश जी जो है वो मिट्टी के हैं। तो प्लीज़ अगर कोई गणपति जी घर पे रख रहा है तो वो मिट्टी के रखे, प्लास्टर ऑफ पैरिस को अवॉइड करिए, क्योंकि वो हमारे नेचर के लिए और वो बहुत पोल्यूशन फैलाते हैं, वाटर पोल्यूशन। क्योंकि हम लोग क्योंकि हम विसर्जित करने जाते हैं, जो मिट्टी वाले रहते हैं वो आराम से पानी में घुल जाते हैं और वो नहीं घुल पाते हैं। अगर आप गणपति जी घर पे ला रहे हैं तो प्लीज़ 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 मिट्टी के लेके आइए। मुझे तो ये कर्टन्स धोने हैं मुझे। तो एक्चुअली में क्या है, कर्टन्स धोने से डर नहीं लगता, कर्टन्स के पीछे रहती हैं छिपकली, और छिपकली से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे यहाँ कर्टन्स लाने से डर लगता है। तो चलिए निकाले जाए कर्टन्स। तो मैं थोड़ा बहुत डर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे छिपकली रहती हैं। तो ये छिपकलियों का अड्डा है, खैर अलग करें जा, इन्हें वॉशिंग पे लगाया जाए। यहाँ पे बहुत ही डेंजरस तरह की छिपकलियां पाई जाती है, लाइक ब्लैक और मोटी मोटी छिपकलियां। चलिए निकाला जाए। यहाँ के कर्टन्स मैंने निकाल दिए, अब वहाँ के कर्टन्स की बारी है और वो सबसे डेंजरस है। यहाँ मिले ना मिले, वहाँ छिपकली आपको ज़रूर मिल सकती है। तो पता नहीं सारी छिपकलियाँ कहाँ गई, पता नहीं, सब गायब हो चुकी हैं, एक भी छिपकली नहीं है घर में। पता नहीं सच में कहाँ गए, मेरे को आश्चर्य हो रहा है। सारी छिपकली जो है वो गायब हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ से भी थोड़ी डस्ट वगैरह है वो निकाल देती हूँ। तो काफ़ी क्लियर रोशनी आने लगती जब पर्दे खुल जाते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, जो मौसम है वो हो रहा है बारिश वाला, तो यहाँ पे धूप नहीं निकली है। कल निकली थी बहुत मुश्किल से धूप यहाँ पे। तो कर्टन सुखाना थोड़ा लंबा टास्क हुआ मेरे लिए, क्योंकि मुझे चाहिए कि ये कर्टन कल तक सूख जाए। तो चलिए मैंने जल्दी धोने डालती हूँ और फिर मैं जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी चीज़ करने। थोड़ा सा एक मेकअप लुक करना था मुझे, वो कर लिया। शाम होने लगी, बहुत सारा टाइम निकल गया। तो हमने फ्लावर डेकोरेशन वाले को बुलाया था, तो हम लोग यहाँ पे जो है गणेश जी का वो पूरा जो भी सजावट है वो करवा रहे हैं। तो उससे बात हो गई है, वो कल आएगा 1:30 बजे, और मेरी बैटरी जा रही है। और जो बलून वाला है वो आज रात तक राजा कह रहे हैं आएगा, और उसके बाद फिर हम लोग शाम तक जाएंगे गणेश जी लेने, क्योंकि परसों क्या होगा बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी वहाँ पे, तो इसलिए हमें कल जाना पड़ेगा। तो मैं चाय बना रही हूँ फटाफट जाके, और यहाँ पे एक वीडियो है उसे एडिट करने के लिए लगा रही हूँ। बस ब्लॉग नहीं, मैंने कल ब्लॉग नहीं किया था, तो मैं जल्दी से जो चाय का काम है वो करती हूँ। और मेरे कर्टन्स जो हैं वो भी आधे धुले हैं आधे नहीं धुले हैं, वो भी धोने हैं मुझे। तो फटाफट जाते हैं। आ गई हूँ चाय बनाने, और एक लाइट बंद पड़ी है यहाँ की, ट्यूबलाइट और CFL दो लाइटें बंद पड़ी है। तो राजा ठीक करेंगे, वो अभी सो रहे हैं। तो मैं चाय बना रही हूँ, उन्हें उठाती हूँ फिर। तो चलिए जल्दी जल्दी से चाय बनाई जाए। नैनों की जो बात है न जाने हैं, सपनों की रात सुनों न जाने हैं। पिंक पिंक व्हाइट चल रहा है, ऑरेंज पिंक कौन चलेगा? तीन मिक्स है, ब्लू भी कुछ अलग लगेगा यार।
लाइट ब्लू नहीं लाया ना, डार्क ब्लू अच्छा लगेगा। एक फुला के दिखाओ ना, एक आप एक एक फुला के दिखा दीजिए ना, है ना। तीन कलर में दे सकते हैं ना कॉम्बिनेशन, तीन में ले ले रहे अलग अलग कुछ अलग हो जाएगा ना, वो बेसिक कलर से अलग जो बलून्स है वो लग गए हैं हम लोगों ने लगाए हैं मल्टी कलर, बहुत सारे ब्लू है, ऑरेंज है, पिंक है एंड वाइट, तो ये चार कलर लगाए हैं। राजा लाइट्स चेंज कर रहे हैं अभी। देखिए हाँ वॉइस रिकॉर्ड करनी चाहिए मुझे किसी वीडियो में, जैसे कुछ लाफिंग वाफिंग का होता। मजे जा रहे नहीं फोटो यार। ओ भाई क्या फोटो नहीं आ रही अच्छी। थोड़ा एक्स्ट्रा फुलाते हैं। आप सुनिए, अभी फिर से और अच्छी अच्छी आवाज निकाली। हाँ मैं थोड़ी पागल हो जाती हूँ इन सब चीजों के लिए। Let's do it again. आप देखिए धीरे धीरे
अब फास्ट अब बड़े एक बड़ा करके सुनते ठीक है। काफी बड़ा हो गया ये उड़ सकता है। बोलो कि भाई बोलो बोलो ना बोलो आओ बोगी कहाँ घूम रहा है बोगी आ जाओ ओ तो हम लोगों ने डेकोरेशन वालों को बुलाया है और ये सामान रख के चले गए हैं। और ये देखिए क्या लेके आए हैं, तो ये कुछ आई थिंक ये खड़े होंगे जो रखे हुए हैं लोहे के, तो वो लोग गायब हो गए आए थे वो चले गए थे। मैंने कर्टन्स जो थे वो लगा लिए हैं, ये भी देखिए यहाँ पे भी लगा लिए हैं। ये सजावट है जो हो गई है और अभी हमें गणेश जी जो हैं हाँ और अभी हम लोगों को गणेश जी जो हैं वो भी लेने जाने हैं। तो प्लीज़ मिट्टी के ही लीजिए, हमें जो पोल्यूशन है उसे नहीं फैलाना है और हमारी एनवायरनमेंट के लिए वो अच्छा नहीं है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के अवॉइड करिए। और हम लोग ये मिट्टी के ही ला रहे हैं, इसलिए सब लोग मिट्टी के ही लाइएगा, पक्का मिट्टी के। तो कभी भी बरसात हो सकती है, ये बादल गरज रहे हैं कभी भी बरसेंगे। पता नहीं कैसे क्या होना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या इतना लंबा आएगा राजा, इतना ही लंबा फैलेगा क्या ये? हाँ। ये जो लोहा रखा है ये जहां तक रखा है उतना ही बड़ा बनेगा। मैं चलूंगी कैसे हॉल में, पता नहीं क्या है, नहीं समझ में आ रहा। अभी वो लोग रख के गए थे, उसके बाद फिर वो गए हैं और उनका एक लड़का था जो फूल की डेकोरेशन करता है लाइक आर्टिफिशियल, तो ये लोग जो है ये पंडाल वगैरह भी लगाते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों से कांटेक्ट हो जाता है आराम से। तो इनसे कांटेक्ट किया था हमने कल और आज ये जो डेकोरेशन है ये करेंगे और जो भी कॉस्ट आएगी मैं बताऊँगी आपको। कि जो बलून्स थे हम लोगों ने इस बार कुछ डिफरेंट लगवाए हैं, तो सारी कलर्स के जो बलून्स हैं वो लगवा लिए हैं। वैसे डेकोरेशन का काम है, हम लोग को निकलना है, बट मेरे को लग रहा है कि हम लोग को शाम या रात ना हो जाए गणेश जी को लाते लाते, क्योंकि उन लोगों का कोई टाइम ही पता नहीं चल रहा था। जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक ये काम शुरू होगा नहीं, और ये कब शुरू होगा कब होगा पता नहीं कुछ भी।
आपको पता है अभी बज रहे हैं 5:10 और हम लोगों को जाना था 1:30 बजे गणेश जी को लेने, और हमें ढोल वोल के साथ लाने थे और कुछ भी नहीं हुआ आज। एक्चुअली मैं डेकोरेशन वाले थे बेचारे लेट हो गए, क्या हुआ है काम ज़्यादा हो रहा है, हम लोग भी समझते हैं। ये लोग 4-5 बजे सोए थे और उसके बाद इन्हें उठते उठते 1-2 बज गए और इनमें से एक जो था वो उठा ही नहीं था बहुत देर तक, सुनना रहे तो उठा ही नहीं था बहुत देर तक। तो फिर लोग आए हैं 2:30 बजे और उसके बाद इन्हें काम शुरू किया। ये 2:30 बजे आए थे, फिर 1 घंटे के लिए चले गए थे, मैं 3:30 बजे इन्हें काम शुरू किया है और अब जो है अब बज रहे हैं 5:10। तो डेकोरेशन आई थिंक इनकी ऑलमोस्ट हो गई है। अब मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि मेरे को जाना है, एक बार एक शॉवर लेती हूँ मैं जल्दी से, मैं थोड़ा सा इंडियन आउटफिट पहन रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गणेश जी देखने। तो ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा कल, तो देखना आप बिल्कुल मत भूलिए गणेश जी हम लोगों ने कौन से लिए। और प्लीज़ एक बार फिर से तीसरी बार मिट्टी के प्रेफर करिए, हम लोगों ने मिट्टी के लिए हैं क्योंकि हमें अपने वातावरण को सेव करना है। तो गाइज बाय बाय, लव यू ऑल और हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू, लव यू, सब्सक्राइब।